स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 9। स्टेटमेंट देखिए क्या है। प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ ए डीन्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि काउंटेबल सेट का सबसेट भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्लियर। तो प्रूफ देखिए क्या है। लेट ए बी ए डीन्यूमरेबल सेट, डीन्यूमरेबल मतलब काउंटेबल सेट, then A can be written as an infinite sequence with distinct elements. Let A is equal to the set A1, A2, A3, so on AN. यहाँ पे आपके पास क्या है कि A set given है, वो क्या है, countable set है। तो countable है तो हम उसके elements को कैसे लिख सकते हैं, infinite sequence में लिख सकते हैं distinct elements की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए सेट को लिख दिया, ए इज इक्वल टू द सेट A1, A2, A3, सो ऑन AN, सो ऑन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका सबसेट लेंगे। अब हमने यही प्रूव करना है कि अगर आपके पास कोई काउंटेबल सेट है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, काउंटेबल सेट ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए जो आपके पास सेट है उसका आर्बिट्रेरी सबसेट लूँगा। क्लियर। तो उसको हम प्रूफ करेंगे कि वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो लेट बी इज सबसेट ऑफ ए, बी हम एक सेट ले रहे हैं वो क्या है, ए का सबसेट है। इफ़ बी इज इक्वल टू 5, मतलब बी अगर एम्प्टी सेट है देन बी इज फाइनाइट सेट एंड हैंस काउंटेबल। हमें पता है जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, अगर बी यहाँ पे आपका 5 है मतलब एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो मतलब वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट है, मतलब उसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो फाइनाइट सेट है तो वो क्या हो गया, काउंटेबल सेट हो गया। अगर बी आपका फाइनाइट सेट एम्प्टी सेट नहीं है, इफ़ बी नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब बी अगर आपका एम्प्टी सेट नहीं है तो लेट के वन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के वन बिलोंग्स टू बी। कंसिडर द सेट बी वन इज इक्वल टू बी माइनस ए के वन। इफ बी वन इज इक्वल टू 5 देन बी इज इक्वल टू ए के वन इज फाइनाइट एंड हैंस काउंटेबल। वो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है तो उसमें क्या करेगा, के वन क्या होगा, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ए के वन आपका एक एलिमेंट मिलेगा जो बी में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से एक सेट बना रहे हैं बी वन। बी वन कैसे बना, बी माइनस ए के वन बन गया। ठीक है, बी में से ए के वन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब वो सेट बी में से निकाल दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी वन आ रहा है। ठीक है, अगर बी वन आपका 5 हो गया, बी वन आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अगर बी वन आपका एम्प्टी सेट आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, बी जो आपका सेट था उसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट आ रहा है, ए के वन। तो इसका मतलब क्या बना, बी आपका क्या बन गया, फाइनाइट सेट हो गया एंड हैंस काउंटेबल। मैं इसको आप एक इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, देखिए कैसे है। आपको ए के वन, के वन में कन्फ्यूज़न हो सकती है तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। जैसे कि आपके पास ए सेट गिवन है, A1, A2, A3, so on, AN, so on। ठीक है, तो B मैं क्या ले रहा हूँ, इसका सबसेट ले रहा हूँ। अब B क्या है, A का सबसेट है तो उसमें एलिमेंट कोई भी हो सकता है। जैसे A के अंदर एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, A1, A2, A3, so on, इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास B कोई सेट है तो उसमें एक एलिमेंट आ रहा है A3, A7, A9, A11, सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, बी में देखा कि लोएस्ट के वन क्या है, मतलब ए जो आपका यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हो उसका सफिक्स की बात करें, के वन इज़ द सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 3। तो हम 3 को क्या नाम दे देते हैं, के वन इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब हमारे पास के वन इज इक्वल टू 3 आ रहा है, वो क्या कर रहा है, ए के वन जो बन गया आपका, मतलब कि दिस इज इक्वल टू A3, वो क्या बन गया, वो क्या कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। तो अब हमने क्या करा, B1 बनाया। ठीक है, B1 बनाया, वो कैसे बनाया, बी माइनस ए के वन। क्लियर। तो जैसे कि आपके पास बी सेट था उसमें से मैंने क्या करा, B1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी, बी में से हमने क्या करा, ए के वन सब्ट्रैक्ट कर दिया,
निकाल दिया, वो वाला एलिमेंट निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, बी वन निकल गया। ठीक है, जैसे कि बी मेरा सेट क्या आ रहा था यहाँ पे, मैं ओड नंबर्स लिख देता हूँ सिंपली, ओड नंबर्स आपके पास ए वन थ्री से शुरू कर लेते हैं, ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन, ए नाइन, ए इलेवन, इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो लीस्ट आपका क्या था, ए थ्री, क्लियर। तो अब हमने क्या करा, बी वन बनाया, वो कैसे बनाया, बी माइनस द सेट ए थ्री। ठीक है, तो बी वन क्या बन जाएगा मेरा, बी वन बन जाएगा अब मेरे पास ए फाइव, ए सेवन, सोन, इस टाइप का सेट बन गया, क्लियर। अगर बी वन एम्प्टी सेट होता, अगर B के अंदर ओनली A3 आ रहा होता, तो हम B में से A3 निकाल देंगे, तो B1 क्या रह जाएगा, ओनली एम्प्टी सेट रह जाएगा। अगर B1 अगर आपका एम्प्टी सेट होता, तो B आपका क्या बन जाता, फाइनाइट सेट हो जाता, तो वो काउंटेबल हो गया। ठीक है, अगर B1 आपका एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने करा B1 में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, A5 भी आ रहे हैं, A7 भी आ रहे हैं, A9 भी आ रहा है, सोन। अब हम दोबारा देखेंगे कि B1 के अंदर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, सफिक्स देख रहे हैं हम, ए फाइव, ए सेवन, ए नाइन, तो सफिक्स में आपके पास फाइव सेवन नाइन आ रहा है, तो इसका लीस्ट क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, के टू नाम दे रहे हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, इफ़ बी वन इज नॉट इक्वल टू फाइव, अगर बी आपका फाइव के इक्वल नहीं है, लेट के टू बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए के टू बिलोंग्स टू बी वन। ए के टू क्या करेगा, बी वन में बिलोंग करेगा। कंसीडर द सेट बी टू इज इक्वल टू बी माइनस ए के वन ए के टू। ठीक है, अगर ए के टू आपका बी वन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपका ए के टू क्या करेगा, बी में भी होगा, क्योंकि जो बी वन बनाया वो हमने कहाँ से बनाया, बी सेट में से ही बनाया है। बी को बी में से ओनली ए के वन हमने निकाला है, बाकी जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी में से ही आ रहे हैं। अगर ए के टू आपका बी वन में बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब है कि ए के टू आपका बी में भी है। ठीक है, तो अब हम सेम जैसे हमने बी वन बनाया था, वैसे हम बी टू बनाएंगे। बी टू कैसे बना रहे हैं, बी टू इज इक्वल टू बी माइनस ए के वन ए के टू, वेयर K1 लेस देन K2। जैसे कि 3 आया था, 3 क्या है, 5 से लेस आ रहा था, 3 को हमने क्या नाम दिया, K1 नाम दिया, 5 को हमने क्या नाम दिया, K2 नाम दिया, तो 3 आपका लेस देन 5 है, उसी ऑर्डर में हम चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं, अगर B2 अगर आपका एम्प्टी सेट है, तो B आपका क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। B आपका फाइनाइट हो गया, तो मतलब हैंस काउंटेबल हो गया, फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, क्लियर। इफ B2 इज इक्वल टू 5 5 then counting in this way we get, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, b2 not equal to 5 आना चाहिए था। ठीक है, if b2 not equal to 5 5 then counting in this way we get bm minus 1 is equal to b minus ak1 ak2 so on ak m minus 1। ठीक है, जैसे कि हमने b2 बनाया था, b2 में क्या आ रहा है, b2 is equal to क्या बन रहा है, b minus ak1 ak2, यहाँ पे सफिक्स देखो K2 आ रहा है, तो यहाँ पे B2 आ रहा है, क्लियर। अब बी एम माइनस वन बना, तो वो क्या आएगा, B माइनस ए के वन ए के टू सो ऑन बी ए के एम माइनस वन, तो इसका सफिक्स जो है K M माइनस वन आ रहा है, M माइनस वन B आपका सेट बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेम हम आगे फिर से देखेंगे, इफ़ बी एम माइनस वन अगर आपका फाइव हो गया, तो फिर B आपका क्या बन गया, काउंटेबल बन गया, क्योंकि ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अगर ये प्रोसेस आपका स्टॉप नहीं कर रहा, ठीक है, तो स्टॉप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, B आपके B जो आपका सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर ये स्टॉप कर जाता है, तो मतलब क्या, B आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो अगर फाइनाइट होगा, तो आपके पास B आपका काउंटेबल हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट है, तो इसी वे में हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, आगे हम जब चलेंगे, तो आपके पास जो B के एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ठीक है, वहाँ से हम एक फंक्शन बना लेंगे n टू b, जो आपका फंक्शन जो होगा वन वन ऑन टू हो जाएगा, तो मतलब आपका b जो होगा काउंटेबल सेट बन जाएगा। तो देखिए क्या बन कर रहे हैं यहाँ पे, द अबव प्रोसेस मे और मे नॉट स्टॉप, ठीक है, अकॉर्डिंग एज b इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, इफ b इज़ फाइनाइट देन b इज़ काउंटेबल, एंड इफ b इज़ इनफाइनाइट
let km be the least positive integer greater than km minus 1. Km क्या होगा? Least positive integer होगा km minus 1 से, such that akm belongs to b. Then b is equal to ak1, ak2, ak3, so on, akm, so on. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे b आपका bm minus 1 बना था, ठीक है, अगर ये स्टॉप नहीं कर रहा तो उसी ऑर्डर में हम करते जाएंगे कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेते जाएंगे तो आपके बी के एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे, ए के वन, ए के टू, ए के थ्री, सो ऑन. ठीक है, के वन यहाँ पे कंडीशन साथ में क्या लग रही है, के वन आपका के टू से लेस होगा, के टू आपका के थ्री से लेस होगा, सो ऑन. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आपके बी के जो एलिमेंट है वो किसी ऑर्डर में लिखे गए, इन्फाइनाइट सीक्वेंस में लिखे गए. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एन से b के ऊपर एक फंक्शन बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं. लेट f n टू b बी द मैप डिफाइनाइड बाय f ऑफ m इज इक्वल टू a के m. यहाँ पे हम जो नेचुरल नंबर ले रहे हैं वही हम k m ले रहे हैं. ठीक है, सफिक्स यहाँ पे जो हमने फिक्स करा m लिखा है. ठीक है, f m इज इक्वल टू a के m फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्लियरली f इज 1 1 एंड ऑन 2. यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं इसको, 1 1 ऑन 2 ईजी होगा. पहले हम M1 और M2 ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ए के एम वन इज इक्वल टू ए के एम टू आ जाएगा. क्लियर, तो आपके पास उसी ऑर्डर में M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा. क्लियर, नेक्स्ट आपका ऑन 2 करोगे तो ए के एम आ रहा होगा बी सेट में, M मतलब आपका कहाँ से आ रहा होगा, नेचुरल नंबर में से, तो आपको प्री इमेज मिल रही है, ऑन 2 भी हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या बन गया, एक आपको मैप मिल रहा है जो 1 1 है, ऑन 2 है, तो मतलब बी जो आपका सेट है वो क्या है, काउंटेबल है. क्लियर, दस आइदर बी इज फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, हैंस बी इज काउंटेबल. क्रोलरी क्या बनी आगे, एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल. रिमार्क वन देखिए, इंपॉर्टेंट है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज डिन्यूमरेबल. यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर्स जो है, प्राइम नंबर्स का सेट जो है वो क्या होता है, डिन्यूमरेबल. प्राइम नंबर्स जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये वाले नंबर्स क्या है, काउंटेबल है. ये अब देखिए आपके पास ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये है क्या, नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, और नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल है. ठीक है, अब नेचुरल नंबर अगर आपका काउंटेबल है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रूफ हो गया कि प्राइम नंबर्स का जो सेट है वो क्या होगा, काउंटेबल होगा. सिंस प्रूफ देखिए क्या है, सिंस द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स पी इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज डिन्यूमरेबल, आल्सो पी इज इनफाइनाइट सेट, हैंस बाय अबव कोरोलरी पी इज डिन्यूमरेबल. ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज अनकाउंटेबल. यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि आर आपका क्या है, अनकाउंटेबल है. ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल बोली थी, सेकंड एग्जांपल वो आपने खुद करनी थी, उसमें क्या था कि क्लोज सेट 0 to 1 दिस इज अनकाउंटेबल. जैसे कि हमने सीक्वेंस करी थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, 0 1 एलिमेंट्स वाली सीक्वेंस बना रहे थे. ठीक है, वो 0 1 एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल सीक्वेंस बन रही है. उसी टाइप का ये आपने एक एग्जांपल मैंने आपको बोला था अपने आप करने के लिए, जो सेकंड एग्जांपल है, आपने क्या प्रूव करना था कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 वो क्या है, अनकाउंटेबल सेट है. क्लियर, तो अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि आर जो आपका रियल नंबर है वो क्या है, अनकाउंटेबल. प्रूफ में देखिए क्या है, इफ़ पॉसिबल लेट आर बी डिन्यूमरेबल. हम यहाँ पे ले लेते हैं कि R आपका क्या है, डिन्यूमरेबल है. आल्सो वी नो दैट इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल. अभी हमने प्रूफ करा कि डिन्यूमरेबल सेट का सबसेट भी क्या होगा, डिन्यूमरेबल होगा. देयरफॉर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 इज सबसेट ऑफ R. हमें पता है जो आपका क्लोज्ड इंटरवल होता है 0 1 वो R का क्या होता है, सबसेट होता है. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, आर अगर डिन्यूमरेबल है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, डिन्यूमरेबल. बट हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं कि आपका जो क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है वो क्या है, अनकाउंटेबल है. तो हैंस आर इज अनकाउंटेबल सेट, हैंस आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल.